नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते अपने शहर और आसपास की हलचल पर। अमृतसर के थाना डी डिवीजन ने लोहगढ़ इलाके के घर में छापेमारी कर बरामद की शराब, आरोपी फरार। अमृतसर के थाना रंजीत एवेन्यू के सब इंस्पेक्टर ने मोबाइल छीनकर भाग रहे दो आरोपियों को किया काबू, एक मोटरसाइकिल एक मोबाइल किया बरामद। सांसद विक्रमजीत सानी ने श्री हरिमंदर साहिब में माथा टेका। ओमान में फंसी लड़कियों को बचाने के लिए मिशन होप अभियान किया शुरू। और अब हलचल विस्तार से। अमृतसर के थाना डी डिवीजन के मुख्य ऑफिसर रॉबिन हंस की ओर से नशे के खिलाफ मुहिम के तहत अपने इलाके के अलग अलग हिस्सों में छापेमारी की गई। इसी दौरान लोहगढ़ इलाके में प्रिंस नामक व्यक्ति के घर छापेमारी की गई तो उसके घर से शराब बरामद हुई, तो वहीं मौका देखकर प्रिंस भागने में कामयाब रहा। इस अवसर पर प्रिंस के पिता को गिरफ्तार करके पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। उन्होंने बताया कि प्रिंस के ऊपर पहले भी करीब 5 मामले दर्ज हैं। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। जी, कल साढ़े एक सर्च ऑपरेशन चलिया सीगा ADCP सिटी वन साहब वालों, नाल साढ़े ACP सेंट्रल साहब सी, अते साढ़े जोन के जिन्हें भी SHO से उन्होंने वालों गेट की अकीमा अते डी डिवीजन के एरिए रेड कराई गई, जिस दौरान लोहगढ़ के एरिए एक प्रिंस नाम का लड़का है जो शराब का इतने पहला भी परचे दर्ज है, वो फादर को काबू किया गया। मौके तो प्रिंस फरार हो गया सीगा, जिसके कोलों 250 बोतल के करीब इंग्लिश जी विस्की है वह बरामद हुई, जिसके हफ्ते आप परचा दर्ज करता वा दो जने ते एक जो हरबंस लाल की आप अरैसट पाई है, सैकेंडली जो प्रिंस है भगौड़ा है उसके 5-7 परचे इन्हों ऑलरेडी एक्साइज से दर्ज है। इन्हों पर आप जी है 61-14 का एक्साइज एक्ट का परचा दर्ज किया। नेक्स्टली जे हम परचे पहला भी है हफ्ते आप 110 का जो है कलंदर तैयार कर रहे। अमृतसर के थाना रंजीत एवेन्यू के सब इंस्पेक्टर वारिस मसीह की ओर से मोबाइल छीनकर भाग रहे दो आरोपियों को मौके पर काबू किया गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए सब इंस्पेक्टर वारिस मसीह ने बताया कि पकड़े गए आरोपियों की पहचान शिवा और माइकल के तौर पर हुई है, जिनके पास से एक मोटरसाइकिल और एक लूटा हुआ मोबाइल बरामद किया गया। उन्होंने कहा कि पकड़े गए आरोपियों को अदालत में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा ताकि इनसे आगे की पूछताछ की जा सके, जिससे और भी खुलासे होने की संभावना है। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। हाँ जी, एक कंप्लेंट सी 3 बजे नूं आई सी, लेडी सी चिमनिया मंदिर दे विच ना खाना बनाउण दा काम करदी सी। वो खाना बना के जदों वापस जा रही सी शाम नूं ते उहदे बेटे दा फोन आ गया हॉस्पिटल दे नाल ही, फोन सुनण लग गई ते पिछों स्नैचर्स आए उहदा फोन खोह के लै गए। साढ़े कोल कंप्लेंट आई, FIR दर्ज की, विद इन आवर्स ही असी जिहड़े अपने नाके वगैरह लगा के सारी पुलिस नूं अलर्ट करता। ASI हरप्रीत सिंह होणा ने हाउसिंग बोर्ड दे लागे नाका लाया होया सी, उत्थे नाके तो ही जिहड़े दोषी जिहड़े इमीजिएट अरैसट करके ते ओह हुण साडे कोल रिमांड ते ने। जिहड़े दो दोषी फड़िया च इक दा नाम हैगा शिवा सन ऑफ केवल सिंह वासी फतेहगढ़ चूड़ियां गुरदासपुर, दूसरा भी गुरदासपुर जिले दा ही आ माइकल सन ऑफ गोल्डी वासी फतेहगढ़ चूड़ियां। विद्या भारती पंजाब की ओर से विचार गोष्ठी पंजाब कल आज और कल का आयोजन अक्षरधाम मंदिर के विद्याधाम में किया गया, जिसमें केंद्रीय सूचना प्रसारण युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री अनुराग ठाकुर, दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज, उत्तम हिंदू के मुख्य संपादक इरविन खन्ना और रिटायर्ड विंग कमांडर अमरजीत सिंह ने विशेष रूप से भाग लिया और अपने अपने विचार पेश किए। इस मौके पर आए हुए सभी गणमान्य व्यक्तियों को विद्या भारती के सदस्यों की ओर से विशेष तौर पर सम्मानित भी किया गया। मंच संचालक प्रधानाचार्य अखिलेश्वर, संगठन मंत्री राजेंद्र कुमार, महामंत्री नवदीप शेखर, विनोद फकीरा, संजय कोचड़, RSS महानगर संचालक डॉक्टर सतीश शर्मा, सुमेश लूथरा, जॉय मलिक, विभाग के सह कार्यवाहक महेश गुप्ता सहित कई गणमान्य मौजूद रहे। जलंधर से हलचल के लिए सुदेश भगत की रिपोर्ट। पंजाब का भारतीय इतिहास में एक विशेष स्थान है, कल का गीता पंजाब जिसको कहे और जिसको आज हम खड़क बाजार के नाम से जानते हैं, अतीत का वर्तमान के साथ जवाब होता है, तो जिसने भारत पे विजय करने उसको पहले पंजाब विजय करना पड़ता है। जितने भी उधर से खैबर दर्रा से जो आए लाहौर सतलुज तक दरिया समझे उनको, वहाँ से जितने भी आक्रमण करके आए
उनका पहला लक्ष्य होता था पंजाब जीत, जिसने पंजाब जीत लिया वो उत्तर भारत का विजेता माना जाता है, हम समझे कि वो भारत का विजेता बना। कल आज कल की जो संक्षिप्त में आप लोग अपने विचार अनुसार से सुनता है कि हम सब पंजाबियों के लिए, क्योंकि अराजकता नकारात्मक नेगेटिविटी जिसको हम कह सकते हैं पंजाबियों का ये गुण नहीं है, पंजाबी खुले दिल के हैं, भाईचारा है, अच्छा करते हैं सब, मान सम्मान सब देते हैं, लेकिन संगीतता चाहे इंसान के स्तर पर इंडिविजुअल स्तर पर चाहे समाज के स्तर पर उसका नुकसान दे है, उसका प्रवृत्ति जब हम नेगेटिव सोचते हैं तो प्रणाम पॉजिटिव कैसे रहता है, तो उस नेगेटिविटी को छोड़ते हुए अपने अतीत को पहचानते हुए यहाँ पर देखिए गुरु ग्रंथ साहब भी यहाँ पर रचेंगे, ऋग्वेद भी यहाँ पर हुआ, महाभारत का ग्रंथ भी यहाँ पर, ये हमारा अगर कलयुग में गुरु ग्रंथ साहब मानता कि सबसे बड़ी देव पंजाब में हो, अगर अतीत में ऋग्वेद सबसे प्रारंभ होते हो पंजाब में। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं आदरणीय अमरजीत जी, विद्या भारती के माननीय संगठन मंत्री आदरणीय राजेंद्र जी, दैनिक सवेरा समूह के मालिक एवं प्रसिद्ध उद्योगपति आदरणीय शीतल बिज जी, चिंतक विचारक और एडिटर इन चीफ उत्तम हिंदू के आदरणीय रमन खन्ना जी, विद्या भारती के महामंत्री आदरणीय नवदीप शेखर जी, महानगर के हमारे माननीय संचालक आदरणीय सतीश जी, हमारे डीएवी के प्रिंसिपल आदरणीय संजीव नवल जी, उपस्थित सभी विद्या भारती के पदाधिकारीगण अधिकारीगण, मेरे प्रिय भाई और बहनों और मीडिया से आगे मेरे प्रिय मित्र, मैं सबसे पहले तो आप सबका आभार प्रकट करता हूं कि आपने इस गोष्ठी का आयोजन किया। मैं इरविन जी के विचार भी सुन रहा था, इतिहास की जानकारी आपको दे भी रहे थे, मन ही मन में ये सवाल खड़े हो रहे थे कि कहां हमारा पंजाब तो और कहां हम पहुंचे। जब कभी हरियाणा हिमाचल पंजाब का हिस्सा होते थे, जलंधर एक शिक्षा का केंद्र था और शिक्षा के साथ साथ ये इंडस्ट्री का केंद्र भी बना, लेकिन समय के साथ साथ कई बार क्या होता है, अगर आपको नेता अच्छा ना मिले, नेतृत्व अच्छा ना मिले और नीतियां सही ना हो तो गिरावट आना स्वाभाविक है। 1996 से लेकर 2022 तक कांग्रेस के सांसद यहां से बनकर आए, अब चौथी बार तो मैं भी सांसद बन गया, मुझे ये नहीं याद अंदर कि एमपी आज तक बोला कौन पार्लियामेंट, 15 साल तो मुझे ही हो। तो आपका प्रतिनिधि कौन है, क्या वो आपका प्रतिनिधि करने लायक भी है, क्या वो आपकी आवाज को सही मायने में देश के सामने संसद में रख पा रहा है, क्या जलंधर के 20 लाख लोगों को जिनमें से 15 लाख से ज्यादा वोटर होंगे, क्या उनकी आवाज को 15 बार भी उठा पाया। तो मैं कह रहा हूं कि जब मैं जलंधर से गया तब जलंधर एक हब होता था शिक्षा का भी, स्वास्थ्य का भी, 250 से ज्यादा अस्पताल है, रेलवे का भी, स्पोर्ट्स का भी, इंडस्ट्री का भी, लेकिन हमने कुछ दिनों में क्या किया, मैंने सांसद बनने के बाद अपनी सूची बनाई कि मुझे हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के लिए क्या करना है, सड़कें सब तरफ से फोर लेन हाईवे, मेरा एक भी जिला ऐसा नहीं बचेगा जहां पे फोर लेन हाईवे ना हो। मान लीजिए भनुपुली कीरतपुर से लेके बिलासपुर सुंदर नगर ये सड़क में बनवा रहा हूं फोर लेन, 15 दिनों में उद्घाटन होने वाला है। 87 किलोमीटर की सड़क 57 किलोमीटर की रह जाएगी, 3 घंटे 35 मिनट लगते हैं जाने में, अब केवल 40 मिनट में पहुंच जाऊंगा।
सांसद विक्रमजीत सानी ने स्वर्ण मंदिर श्री हरमंदिर साहिब में विशेष रूप से उपस्थित होकर माथा टेका, जिसके बाद प्रायोजकों को जुर्माना और मुआवजा आदि देकर ओमान में फंसी पंजाब की गरीब लड़कियों को बचाने के लिए मिशन होप अभियान जारी किया गया। पंजाब से सांसद सदस्य विक्रमजीत सानी ने मस्कट में भारतीय दूतावास के साथ मिलकर इन गरीब पंजाबी लड़कियों को ओमान से वापस लाने के लिए उनकी ओर से पूरे जुर्माने और मुआवजे को वहन करने का बीड़ा उठाया है। सानी ने कहा कि इन जरूरतमंद लड़कियों की मदद करना उनका परम कर्तव्य है, जिन्हें अपनी खराब आर्थिक स्थिति के कारण अपना घर छोड़ना पड़ा और इन धोखेबाज एजेंटों का शिकार होना पड़ा। सानी ने यह भी खुलासा किया कि वर्तमान में ऐसी 36 गरीब लड़कियां फंसी हुई हैं, जिन्हें तत्काल मदद और निकासी का आवश्यकता है। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए विक्रमजीत सिंह सानी ने पंजाब के विभिन्न स्थानों की इन गरीब लड़कियों की चौंकाने वाली कहानी सुनाई, जिन्हें बेईमान एजेंटों और तथाकथित विदेशी रोजगार सलाहकारों ने रोजगार के बहाने ओमान जाने का लालच दिया था। श्री सानी ने कहा कि कुछ लड़कियों को दलालों की मदद से संयुक्त अरब अमीरात ओमान सीमा से ओमान में प्रवेश कराया गया। श्री सानी अगले सप्ताह तक उन्हें पूरे सम्मान के साथ वापस भारत लाने और उनके परिवारों से फिर से मिलने की उम्मीद कर रहे हैं। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। तुसी देखा है कि पिछले हफ्ते एक वीडियो चलिया कि पंजाब तो अपनिया धियां भैन मस्कट च बैठिया, वो रुमाल बनने वो कहते सानू तुसी वो वाट पा रही हैं, मदद की पुकार मंग रही हैं। तो मेरा मन बड़ा दुखिया कि भी किमें हो गया सारा। वो पहला तो देखिया भी एक्चुअल गल है, वो जिमें 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 असी वो कहते ना कोई इतने दीमक नज़र आ जाए वो फिर बंदा देखता थले 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 वो जाके तो साडा मेरा और साड़ी सारी टीम का मतलब दिल ही हलूणिया गया कि भी ये तो बहुत बड़ा एक स्कैंडल है। ये कोई भी 15-20 कुड़ियां दी भी गल नहीं, इंडियन अंबैसी नाल गल हुई, छोटे छोटे गुरुद्वारा साहब है, एक साढ़े वर्ल्ड पंजाबी ऑर्गेनाइजेशन के प्रधान ने मठारू जी सरदार बलविंदर सिंह ने और इंडियन अंबैसडर ने भी सानू बड़ा सहयोग दिता। तो उन्होंने कहा जी ये तो चल रहा बड़े साल तो असं तो लिख लिख थक गए सरकारां नू। अज साहिब श्री अमृतसर की पवित्र धरती पर, क्योंकि अमृतसर साहब तो पवित्र धरती कोई होर नहीं हो सकती, दरबार साहब अमृतसर अरदास करके इस मिशन होप दी, और जो साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह ने लिखा निश्चय कर अपनी जीत करूँ, देह शिवा वर मोहे, क्योंकि ये पता नहीं ये किन्ने लोग इस षडयंत्र इस माड़ी मंदभागी शर्मनाक दर्दनाक हलूणी जो शब्द तुसी कह सकते हो पंजाबी दे इस तो शर्मनाक हरकत और जड़ी ओ नहीं हो सकती। अरदास करके आज इहदा मिशन शुरू कर। लहरा गागा विधायक एडवोकेट वरिंदर गोयल की ओर से गांव भानुआ में सैकड़ों एकड़ जमीन को नहरी पानी के साथ जोड़ने के लिए रजवाहे से खेतों तक अंडरग्राउंड पाइपलाइन डालकर इतिहास बनाया गया। अंडरग्राउंड पाइपलाइन डालने की शुरुआत करते हुए विधायक एडवोकेट वरिंदर गोयल ने कहा कि पंजाब सरकार किसानों के हितों की रक्षा के लिए वचनबद्ध है। उन्होंने बताया कि करीब 25 लाख रुपए की लागत से 3,185 मीर लंबी अंडरग्राउंड पाइपलाइन के साथ लगभग 200 एकड़ जमीन के मालिकों को बड़ा लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि जमीन को नहरी पानी मिलने के साथ साथ जहां खाद का इस्तेमाल कम होगा तो वहीं पैदावार भी बढ़ेगी। आज तक किसी भी सरकार ने किसानों की सार नहीं ली, पर अब राज्य के अंदर लोगों की अपनी सरकार है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान किसानों की समस्याओं को लेकर बहुत गंभीर और चिंतित है। संगरूर से हलचल के लिए जसवीर मान की रिपोर्ट। जिहड़ी पाइपलाइन है, क्योंकि पानी ही जीवन है, जे खेतों नूं पानी नहरी मिलता तो इसे दे नाल फसलां वधिया हुंदियां ने। ते ये जिहड़े खेत ने टेल दे उत्ते ने इत्थे पानी कदे आउंदा ही नहीं सी, सो अंडरग्राउंड पाइपां राहीं ये अज पानी देण दी शुरुआत कीती है। 3185 मीटर दी जिहड़ी पाइपलाइन है ते करीब 200 किला जमीन है जिहड़ा उस दी सिंचाई है जिहड़ी इस पाइपलाइन दे राही होएगी। ते सारे जिहड़े खेतां वाले लोग ने खड़े ने
बड़े खुश ने, बड़े संतुष्ट ने, ते साढ़े अधिकारी भी खड़े ने, SDO साहब खड़े आ, JE साहब खड़े आ, ते इन्हां ने जिवें दस्सिया सारा इत्थे मैं देखिया कि बड़ा वधिया तरीके दे नाल कि ना तो पानी की कोई चोरी हो सकती है, ना कोई किसी का पानी बढ़ सकता, तो ना कोई झगड़ा उत्ते जिथे है तो गेट इन्होंने अपना बाल खोल लेना तो उत्थे दी सिंचाई हो जानी है। सो यह इन्हां दी लंबे समय तो मंग सी, वो अज जिहड़ी मंग है वो पूरी हुई है। करीब 25 दिनों के जां 1 महीने के सारी पाइपलाइन बिछके जीरियां तो पहला लगन तो पहला है सारा तैयार हो जाएगी। डिस्ट्रिक्ट लीगल अथॉरिटी फिरोजपुर के चेयरमैन वरिंदर अग्रवाल जिला सेशन जज की अगुवाई में और CJM एकता उपल द्वारा अंधेरे से उजाले की ओर प्रोग्राम के तहत जिला फिरोजपुर के 78 ईंट बनाने वाले भट्टों का निरीक्षण कर भट्टों पर काम करने वाले मजदूरों के बच्चों को शिक्षा देने के लिए स्कूलों में भर्ती कराया गया। उक्त बातों की जानकारी एक वीडियो कॉन्फ्रेंस कर दी गई। इस दौरान CJM एकता उपल ने इस कार्य के लिए खुशी का इजहार प्रकट किया। उन्होंने बताया कि बच्चों को उनके घर से लेकर आना और जाने का भी प्रबंध किया जाएगा। उनका मकसद अनपढ़ता को खत्म करना और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शिक्षा प्रदान करना। इस मौके पर शिक्षा विभाग अधिकारी और कई गणमान्य उपस्थित रहे। फिरोजपुर से हलचल के लिए मंजीत सिंह की रिपोर्ट। मिशन कितनी सक्सेसफुल है? आज का जो एक डॉक्यूमेंट्री असि वानू शो कीती है, ऑल्दो इट वाज अ मल्टी टॉपिकल मीटिंग सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम, बट एक कोर एरिया सीगा दैट वाज द लॉन्चिंग इन द पब्लिक ऑफ द documentary film prepared by the office of the DLSA jo ki district legal services authority firozpur de pioneering project andhere se ujalo ki aur di hai and jis tarah ki documentary ch dikhaya is documentary de tehat assi is project de tehat assi firozpur de 78 itta de patthiyan da slum areas da survey kita aur utho bachiyan di list banayi ki jehde school going age de sige but oh documentation di want karke ya ohna da kyunki firozpur de vich jo stay hai oh short time da hunda siga ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਕੂਲ 'ਚ ਦਾਖਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਦਾਖਿਲਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਫਿਲਟਰ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਸ ਚੇਅਰ ਅਪਾਨ ਕੀਤੀਆਂ। ਵਰਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਥਾਰਟੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸ਼੍ਰੀ ਵਰਿੰਦਰ ਅਗਰਵਾਲ ਜੀ, ਅਤੇ ਟਿਲ ਡੇਟ ਅਸੀਂ 654 ਬੱਚੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਭੱਠਿਆਂ ਦੇ ਲੇਬਰ ਕਲਾਸ ਦੇ ਔਰ ਸਲਮ ਏਰੀਆ ਦੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ 'ਚ ਦਾਖਲਾ ਕਰਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਮੋਰ ਦੈਨ ਅਸੀਂ 1100 ਦੀ ਲਿਸਟ ਹੈ ਜੋ ਆਲਰੇਡੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਟਕਸਾਲੀ ਨੇਤਾ ਸੁਧੀਰ ਸੂਰੀ ਕੇ ਭਾਈ ब्रजमोहन सूरी की ओर से गत दिनों सुरक्षा प्रबंधों और धमकी भरे फोन आने के बाद शकी नौजवानों के घर के आसपास घूमने संबंधी पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई गई थी, जिसके बाद अमृतसर पुलिस द्वारा जांच करते हुए CCTV फुटेज देखने के बाद इस मामले को झूठा पाया और ब्रजमोहन सूरी पर दो फायर करने संबंधी मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। इस संबंध में जानकारी देते हुए ACP लखविंदर कलेर और SHO थाना रामपाल राजविंदर कौर ने बताया कि वह मौके पर पहुंचे हैं और सुरक्षा प्रबंधों की जांच की है और पुलिस कर्मचारियों को हिदायत जारी की है कि वह बिना पूछे छुट्टी पर ना जाएं और जो सुरक्षा सरकार की ओर से उपलब्ध करवाई गई है वह उस जिम्मेदारी को पूरी तरह से निभाएं। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। देखो जिस तरह ब्रजमोहन सूरी हुणां दी सिक्योरिटी नूं असीं बिल्कुल सख्त हदायतां कीतियां कि कोई भी जिहड़ा वा अपनी ड्यूटी नहीं छड्डेगा, अगर किसी नूं प्रॉब्लम आउंदी आ तो उह साडे ध्यान विच लैगा, असीं उहनां दी छुट्टी मंजूर करांगे और छुट्टी मंजूर करके उहदी जगह 'ते कोई जिहड़ा वा होर मैंबर डिप्यूट करांगे, बिल्कुल नाल रहणगे जी। गनमैन जदों उहनां नूं असीं सरकार ने गनमैन दित्ते होए आ ते असीं उहनां दी प्रोटैक्शन वास्ते गनमैन दित्ते आ ते उह इहनां नूं इह बिल्कुल असीं हदायतां वी जारी कीतियां वी कितें वी कोई नाभा ब्लॉक के गांव धारोकी में पुलिस कर्मचारी गुलाब शेरगिल की ओर से कोरोना महामारी के दौरान 2020 में अपनी एक एकड़ जमीन में क्रिकेट खेलने के लिए ग्राउंड बनाया गया था। इस गांव में कोई भी ग्राउंड ना होने के कारण शेरगिल की ओर से ये प्रयास किया गया। अब इस मैदान में साथ लगते गाँव की लड़कियाँ भी क्रिकेट खेलने आ रही हैं और 4 सालों के दौरान लड़कियाँ पंजाब स्तर की टीम में भी भाग ले रही हैं।
इनकी मेहनत को देखते हुए विदेश की द न्यूयॉर्क टाइम्स में ऑल एडिशनल पेज पर आर्टिकल भी लगाया गया। गत दिनों मोहाली में हुए आईपीएल क्रिकेट कप मैच में क्रिकेट अर्शदीप सिंह की ओर से बेस्ट ऑफ द मैच कैच सूर्य कुमार का पकड़ा गया। ये ट्रॉफी अर्शदीप ने इन लड़कियों को दी और उन्होंने कहा कि वे बहुत खुश हैं जो आज इस मुकाम तक पहुंच चुके हैं। नाभा से हलचल के लिए राहुल खुराना की रिपोर्ट। बहुत खुशी दी गल है जे उस कोरोना दे समय जिहड़ी गल मैं कल्ले ने सोची सी ते बच्चों नूं जोड़ना उन्हां दे पेरेंट्स नूं जोड़ना उस वेले मैनूं बड़ा औखा लगता सी ते हुण जदों इन्हां बच्चियां नूं जिवें जिवें जोड़ी गया तां अज्ज जिन्ना क सैट सुणदे सामने तैयार आ तां देख के बड़ी खुशी मिलदी है, चंगा लगता। 3 साल तो सानू इत्थे ग्राउंड 'च कंप्लीट हो गए ते उस तो पहला 7-8 महीने पहला सीगे घरें करदे सीगे ते 3 घंटे तकरीबन 3 घंटे तो हो ही जाते तकरीबन हर रोज़ डेली दे। माइंड किवें आ वी जिहड़ा इह उपराला करना जिहड़ा माइंड दा इह सीगा 2012 दा सीगा माइंड दे विच तां जिद्दां हुण आपणे ना कंबाइना जिहड़ियां फसलां वढ़न दी मशीन हुंदी आ कंबाइन उह लै के असीं अलग अलग स्टेटां 'च जांदे सीगे ते खेतीबाड़ी दे नाल नाल जिद्दां उह सहायक धंधे वजों रखे हुए आ सी ते असीं उह 1 साल 2012 दे विच गुजरात 'च सीगे गुजरात दे पिंड ते उह पिंड सीगा असीं जिहड़े 'च फसलां वढ़दे सी इंडियन क्रिकेटर मुंडा मनाफ पटेल ते उस दे पिंड 'च सीगे ते उत्थे भी बस फिर इदां ही सीगा हैगा पिंड आ उह पिंड दा मुंडा उह ते जी पिंड दे विच ग्राउंड सीगा चंगा सीगा बच्चे उत्थे वाहवा खेडदे सीगे हुण भी ते उत्थे उहनां बच्चियां नूं देख के महसूस कीता भी जे पिंड दे विच इदां दीआं सहूलतां मुहैया करवाईआं जाण बच्चियां नूं तां बहुत वड्डे मुकामां तक बच्चे जा सकदे ने। बाकी तां किस्मत देखो बच्चे दी जिहड़ी दी चमकणी आ बिल्कुल चमकेगी पर असीं तां आपणी पूरी कोशिश करीए सारे परिवार दी। बाकी फिर साडा जिहड़ा कोच रख्या वे उहनूं बुला लैणा उह आ जांदा हुंदा। ए ट्रॉफी एक्टिक कैच ऑफ द मैच अर्शदीप नूं मिली सी ते उह सानूं दे गए उहनां ने सूर्य कुमार यादव दा कैच फड़िया सी। तुहानूं दे गए जिहड़े जांदे जांदे ए ट्रॉफी? ਹਾਂਜੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਗਏ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਟਰੋਫੀ ਮਿਲੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਚ ਦੇਖਣ ਗਏ ਸੀ ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਹਨਾਂ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ? ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ਿਖਰ ਧਵਨ, ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਸੂਰਯ ਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ, ਲਿਵਿੰਗ ਸਟੋਨ, ਨਥਨ ਐਲਿਸ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਗ੍ਰੀਨ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਫੋਟੋਆਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਵੀ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਰਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਕੁੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਸਕਦੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਖੇਡਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਧ ਸ਼ਕਤੀਪੀਠ ਸ਼੍ਰੀ ਦੇਵੀਤਲਾ ਮੰਦਰ ਪਾਵਨ ਸਰੋਵਰ ਤੱਟ ਵਾਸਨੀ ਪਰ ਸਥਿਤ ਵਿਸ਼ਵਮੁਖੀ ਮਾਂ ਤ੍ਰਿਪੁਰ ਮਾਲਨੀ ਧਾਮ ਮੇ ਸਪਤਾਹਿਕ ਭਜਨ ਸੰਧਿਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਜਿਸ ਮੇ ਵਿਜੇ ਕੌੜਾ ਐਂਡ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮਾਂ ਭਗਵਤੀ ਕੇ ਭਜਨੋ ਕੋ ਗਾ ਕਰ ਉਪਸਥਿਤ ਮਾਂ ਭਕਤੋ ਕੋ ਝੂਮਨੇ ਪਰ ਵਿਵਸ਼ ਕਰ ਦਿਆ। ਵਹੀ ਮਾਤਾ ਕੀ ਚੌਂਕੀ ਮੇ ਮੰਚ ਸੰਚਾਲਨ ਬਲਦੇਵ ਆਨੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਦੇਵੀਤਲਾ ਮੰਦਿਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕੇ ਮਹਾਂ ਸਚਿਵ ਰਾਜੇਸ਼ ਵਿਜ, ਵਰਿਸ਼ਠ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਲਿਤ ਗੁਪਤਾ, ਕੋਸ਼ਾਧਿਕਸ਼ ਪਵਿੰਦਰ ਬਹਿਲ, ਅਰੁਣ ਵਰਮਾ, ਰਮਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਮਨੀਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਰਾਜੂ ਸ਼ਰਮਾ, ਪਵਨ ਮਹਿਤਾ, ਸੁਨੀਲ ਅਰੋੜਾ, ਭੂਸ਼ਣ ਕੋਹਲੀ, ਅਰਜੁਨ ਮਲਹੋਤਰਾ, दमन मेहता सहित बड़ी संख्या में भक्त जन उपस्थित रहे। जलंधर से हलचल के लिए सुदेश भगत की रिपोर्ट। ते नहीं कोई तेरे।
कल्याणी है हे मां भगवती तू श्यामा दी श्यामी हे मां भगवती मां बगला मुखी धाम गुलमोहर सिटी नजदीक लम्मा पिंड चौक में श्री शनिदेव महाराज के निमित्त श्रृंखलाबद्ध हवन यज्ञ का आयोजन मंदिर परिसर में किया गया। सर्वप्रथम वैदिक रीति अनुसार गौरी गणेश नवग्रह पूजन उपरांत ब्राह्मणों ने मुख्य यजमान प्रदीप शर्मा से हवन यज्ञ में आहुतियां डलवाई। उपरांत मां बगला मुखी जी के निमित्त भी माला मंत्र जाप एवं हवन यज्ञ में विशेष रूप से आहुतियां डाली गई, जिसके बाद नवजीत भारद्वाज ने भक्तों का मार्गदर्शन करते हुए कहा कि मित्र के साथ कभी छल कपट का व्यवहार मत करो, परस्पर एक दूसरे के हित का संकल्प करो। इस अवसर पर राकेश प्रभाकर, श्रीकांत जज, समीर कपूर, अमरेंद्र कुमार शर्मा, गुलशन शर्मा, लवली शर्मा, विक्रम, मनीष शर्मा, अश्विनी शर्मा, धूप वाले विनोद लूथरा, रोहित पहल, यज्ञदत्त, अवतार सिंह, पंकज, राजेश महाजन, बाबा खन्ना सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद थे। आरती उपरांत प्रसाद रूपी लंकर भंडारे का भी आयोजन किया गया। जलंधर से हलचल के लिए सुरेंद्र बाबा की रिपोर्ट। आज साडे नाल दे सेवादार वीर प्रदीप शर्मा जी का जन्मदिन है। जिस तरह की असि अगे भी कहने ना जाना मैंने होटल ना जाना बाजार मां के द्वार जाना है, जन्मदिन वही मनाना है। अज श्री शनिदेव महाराज जी के हवन यज्ञ के मुख्य यजमान के रूप के बैठे है और महामाई के चरणा च आके अपना जो श्रद्धा सुमन है अर्पित किए हैं। माँ ऐदा ही चढ़ती कला बख्शे और शरीरक रोगता घर परिवार सुख शांति देवे। मेरे वालों समूह सेवादारा के समूह वालों प्रदीप शर्मा जी को जन्मदिन दी बहुत बहुत बधाइया। महामाई ऐदा ही अपने चरणों जोड़ के रखे और ये जोर शोर में जिदा आके तन मन धन तो सेवा करते हैं ऐदा ही कर। जय माँ बगला मुखी जी। जय माँ बगला मुखी धाम। अज मेरा जन्मदिन है और मैं हर साल जिन्नी बारी मेरा जन्मदिन है मैं माँ बगला धाम आके अपने नवग्रह की पूजा करना और मेरे एडे के काम मेरे महामाई ने पूरे किए कि जेडे मेरे काम नहीं हो पाने से जेडे कि मेरे महामाई ने वो काम मेरे पूरे किए ने। और इन्ना कि मतलब चार पाँच साल तो मैं बहुत अपने काम तो फसया जी और मैं बड़ा खुशी आ रहा मैं कि मतलब महामाई ने यह मेरे मिली ली है मेरे दुख दर्द मिली ली उन्होंने मेरे पूरे किए ने। और मैं हर साल अगों भी मैं हर साल आता रहा और महामाई के चरणा से इतने ही अपनी नवदिन की पूजा हर साल जन्मदिन इतने ही मनाता रहा। और मैं पूरे अपने शहर वासियों को भी कहना चाहना कि कोई दिक्कत है कोई अपने शरीर रोग है जो कोई दुख है जो कोई 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 प्रॉब्लम है वो महामाई के इतने माँ मगल तो भी धाम गुरु सिटी आन और अपने महामाई के चरणा चाहिए अरदास करान। और मैंने पता है कि जो कोई माँ मगले का होता है वो अरदास पूरी होंगी क्योंकि मेरी मैं अपने मन मेरी हुई है मेरी चार पाँच साल तो हुई है और मैं लगातार इतने आ रहा और मैं नवदीप भारद्वाज का बहुत खुश हो जा रहा कि उन्होंने शरीर सू मिले तो उन्होंने सू चीज तो पार कर। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नज़र फिर से। अमृतसर के थाना डी डिवीजन ने लोहगढ़ इलाके के घर में छापेमारी कर बरामद की शराब, आरोपी फरार। अमृतसर के थाना रंजीत एवेन्यू के सब इंस्पेक्टर ने मोबाइल छीनकर भाग रहे दो आरोपियों को किया काबू, एक मोटरसाइकिल एक मोबाइल किया बरामद। सांसद विक्रमजीत सानी ने श्री हरिमंदर साहिब में माथा टेका। ओमान में फंसी लड़कियों को बचाने के लिए मिशन होप अभियान किया शुरू। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।